In the early 2000s में लोगों को लगता था टेक्नोलॉजी कुछ भी गलत नहीं करेगी. टेक का तरीका यही है कि तेजी से बढ़ो और गलतियां करो. लीडरशिप की ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी थी. दुनिया भर में 1 अरब लोग स्मोक करते हैं. हमें लगा कि ये पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में एक बड़ा मौका है. जिस तरह से एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता था, मैं उससे बहुत इंस्पायर हुआ. उनके प्रोडक्ट्स बहुत सुंदर होते थे. हम बिग टबैको को बंद कराने के लिए कंपनी में शामिल हुए थे. उनका कारोबार बंद कराना ही हमारा मिशन था और हम उनके ही हाथों बिक रहे थे. जैसे वो शैतान के साथ भागीदारी कर रहे हो. मुझे नहीं लगता कि किसी ने अंदाजा लगाया होगा कि कितने बच्चे इस प्रोडक्ट को आजमाना चाहेंगे. जूल के एम्प्लॉयज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलेब्स को मुफ्त में प्रोडक्ट्स भेज रहे थे. जब आप दुनिया में जूल कैंपेन जैसा कुछ कर रहे हैं तो पीछे हटने का मौका नहीं मिलता. और अब ये 15 साल के बच्चे हैं जो चेन स्मोकिंग के बराबर वेप कर रहे हैं. एक ही झटके में खत्म कर दिया. जेम्स और एडम नियंत्रण खो चुके थे. सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लिंक्ड टू वेपिंग. सीरियस लंग डैमेज. मुझे इतना डर था कि मैं झुक कर बैठ गई. रेस्पिरेटरी फेलियर से गुजर रही थी. We want to get on to the business of eliminating cigarettes and saving lives. You're nothing but a marketer of a poison, and your target has been young people.